हेलो एंड वेलकम टू 100% परसेंट मैथ्स हम कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए चैप्टर नंबर सिक्स दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स तो लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस करी थी इसकी दो एप्लीकेशंस दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज एंड द सेकंड एप्लीकेशन वाज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस ठीक है जिसके बेसिस पे हमने डिस्कस करी एक्सरसाइज सिक्स एंड सिक्स ठीक है तो अब हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा आज की वीडियो में तो ये मैक्सिमा और मिनिमा जो है इसमें क्वेश्चन भी ज़रूर आपको आता है पेपर में तो इसीलिए ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सो so, पूरा वीडियो में आज मैं आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस करवाऊंगी आपका तो इसमें हम बात करेंगे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के बारे में एब्सोल्यूट मैक्म एब्सोल्यूट मिनिमा के बारे में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में वर्किंग रूल्स के बारे में तो ये वीडियो जो है इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद वी द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इज मैक्सिमा एंड मिनिमा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ध्यान से देखिएगा इसका कॉन्सेप्ट अब यहाँ पर भी हम कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव्स यूज़ करने वाले हैं टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ़ द वेरियस फंक्शंस तो काफ़ी सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पर हम मैक्सिम एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं तो इस टॉपिक के अंडर हम चार मैक्सिमा मिनिमा के बारे में बात करेंगे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एप्सल्यूट मैक्सिमा और एप्सल्यूट मिनिमा तो यहाँ पर हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले देख लेते हैं रियल लाइफ सिचुएशंस जहाँ पर ये मैक्सिम एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे तो लेट अस कंसिडर सम ऑफ द एग्जांपल्स। सपोज हमने कोई बॉल थ्रो करी है इनटू द एयर फ्रॉम अ बिल्डिंग तो सपोज़ करो दिस इज़ अ बिल्डिंग और यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है और उसने एक बॉल थ्रो करी है ठीक है यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है और उसने एक बॉल थ्रो करी है हमने फाइंड आउट करना है कि कितनी मैक्सिमम हाइट तक ये बॉल जो है वो रीच कर रही है तो अगर हमें इक्वेशन पता है तो हम क्या कर सकते हैं मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं तो बॉल कहाँ तक पहुँचेगी तो यहाँ पर हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी मैक्सिमम वैल्यू की सेकेंड एग्जाम्पल लिया है मैंने कि सपोज़ एक हेलीकॉप्टर है सपोज एक हेलीकॉप्टर है वो फ्लाई कर रहा है एंड द शूटर वांट्स टू शूट तो यहाँ पर एक शूटर खड़ा है और शूटर इस हेलीकॉप्टर को क्या करना चाहता है शूट करना चाहता है शूट तब करना चाहता है जब ये हेलीकॉप्टर क्या होगा नियरेस्ट होगा इसके नियरेस्ट डिस्टेंस पे होगा तो अगर हमें इक्वेशन पता है तो हम नियरेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं सो यानी कि यहाँ पर हमें मिनिमम वैल्यू की रिक्वायरमेंट है तो ऐसी बहुत सारी और भी सिचुएशंस होती हैं जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे जहां पर हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है तो वहां यूज करते हैं हम मै मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट तो चलिए अब इसे मैथमेटिकली समझ लेते हैं लेट एफ बी द फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई तो कोई फंक्शन हमने डिफाइन किया है इंटरवल आई पे तो f फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कब होगी फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब वहाँ पर कोई पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा इन दैट इंटरवल आई ओनली ठीक है कोई पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है अगर फंक्शन की वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सबसे हाईएस्ट है तो इस ग्राफ को चेक करो देखो सी पॉइंट पे ये फंक्शन की वैल्यू जो है वो सबसे हाईएस्ट है कंपेयर टू द अदर वैल्यूज़ राइट तो कोई ऐसा पॉइंट अगर एग्जिस्ट करता है जहां पर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ सी जो है वो एफ ऑफ एक्स से क्या है बड़ी है तो हम क्या बोलेंगे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है तो यहाँ पर एफ ऑफ सी को हम क्या बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू तो ये देखो ये मैक्सिमम वैल्यू है और सी वो पॉइंट है मैक्सिमम वैल्यू का ओके okay? तो क्या कहने का मतलब है कि अगर कोई पॉइंट एग्जिस्ट करता है सी सच दैट एफ ऑफ सी की वैल्यू एफ ऑफ एक्स से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी ठीक है इनको क्या क्या बोलते हैं ये भी आपको रिमेंबर रखना है अब फंक्शन की वैल्यू मिनिमम कब होगी वही सेम चीज़ है जहां अगर कोई पॉइंट एग्जिस्ट करता है सी अगर उसकी वैल्यू सबसे कम है एज़ कंपेयर टू अदर वैल्यूज़ तो उसको क्या बोलेंगे मिनिमम वैल्यू बोलेंगे तो ग्राफ को चेक करो देखो इस तरह से कब बना हुआ है इस पॉइंट पे क्या है इसकी वैल्यू लोएस्ट है मतलब फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है अगर एफ ऑफ सी जो है वो एफ ऑफ एक्स से कम है तो एफ ऑफ सी को क्या बोलेंगे मिनिमम वैल्यू और सी क्या है पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू ओके देन एक ऐसा केस भी होता है जहां पर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आइदर होती है या मिनिमम वैल्यू होती है आइदर राइट right? दोनों में से कोई भी हो सकती है तो वहां पर f को हम क्या बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यू तो ग्राफ को चेक करो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है वन है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है फोर है है ना तो f इज कॉल्ड एज एक्सट्रीम वैल्यू इन i अगर एक पॉइंट c एग्जिस्ट करता है इन i सच दैट f ऑफ c यहाँ तो मैक्सिमम वैल्यू होगी या तो ये देखो मैक्सिमम वैल्यू होगी या ये मिनिमम वैल्यू होगी वहाँ पर एफ ऑफ सी को हम एक्सट्रीम वैल्यू बोलेंगे और सी को बोलेंगे एक्सट्रीम पॉइंट अब इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल पहले हम डिस्कस करेंगे जो आपकी एन बुक में है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ तो आपको गिवन होगा कि जैसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड आउट करो और फंक्शन आपको गिवन है तो फंक्शन गिवन है एक्स का स्क्वायर और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर तो अगर हम इसका ग्राफ देखें तो ये हमें बहुत ही फेमिलियर सा ग्राफ है हमें पता है कि दिस इज़ पैरापोला तो अगर हम इसकी लोएस्ट मिनिमम वैल्यू की बात करें तो हमें पता है ऑब्वियसली स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव ही आंसर आएगा और ज़ीरो का स्क्वायर जो है वो ज़ीरो है है ना और किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि स्क्वायर है अब जीरो इसकी मिनिमम वैल्यू है तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इज ज़ीरो तो ज़ीरो का स्क्वायर यहाँ पर जीरो है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है ज़ीरो है बट यहाँ पर ध्यान से देखो क्या इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू है ये देखो ग्राफ तो बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि रियल नंबर है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो रियल नंबर तो कितने भी हो सकते हैं सो so यहाँ पर फंक्शन की कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है ठीक है बट इस केस को अगर हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं इसकी डोमेन को कि अगर फंक्शन जो है वो माइनस टू टू वन ही डिफाइंड है है ना कि इसकी जो इंटरवल है ये रियल नंबर्स को बिलोंग नहीं कर रहा तो यहाँ पर माइनस टू टू वन के बीच में ही इसके नंबर्स लाई कर रहे हैं तो f की क्या होगी एक मैक्सिमम वैल्यू भी होगी वो क्या होगी माइनस टू का स्क्वायर माइनस टू का जब स्क्वायर करेंगे तो फोर आ जाएगा एट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू उसकी क्या होगी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी ओके तो इस तरह से हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज को फाइंड आउट करना है नेक्स्ट जान लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट पहले फिर हम डिस्कस करेंगे लोकल मैक्सिम एंड लोकल मिनिमा के बारे में हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है तो रिजल्ट ये कहते हैं कि एवरी मोनोटॉनिक फंक्शन एज्यूम इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एट द एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन तो इस ग्राफ को चेक करो आपको ये लाइन मैंने जो लिखी है वो क्लियर हो जाएगी तो यहाँ पर देखो दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन है ना तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी बता रखी है जीरो है और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है है तो इसकी जो वो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू होती है वो एंड पॉइंट्स पे ही होती है तो बाय बाई फंक्शन का मतलब है कि या तो F क्या होगा इंक्रीजिंग होगा या फिर क्या होगा डिक्रीजिंग होगा तो जैसे इस केस में हमेशा ग्राफ्स ऐसे होते हैं या इंक्रीजिंग होते हैं या क्या होते हैं डिक्रीजिंग होते हैं अब देखो अगर इंक्रीजिंग है तो जहां से जर्नी यहां से शुरू हुई है ये इसका क्या है मिनिमम वैल्यू और जहाँ पर ख़त्म हो रहा है ये ग्राफ वो क्या है इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ठीक है अब यहाँ पर ये क्या है इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और ये क्या है इसकी मिनिमम वैल्यू है यानी कि एंड पॉइंट्स पे ही उसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हमें मिल जाती है राइट ये हो गया हमारा फर्स्ट रिजल्ट सेकेंड रिजल्ट ये कहता है कि एवरी कॉन्टीन्यूअस फंक्शन ऑन अ क्लोज इंटरवल हैज़ अ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू तो जब भी हम बात करते हैं क्लोज इंटरवल की ये होते हैं क्लोज्ड इंटरवल हमारे तो कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन है उसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू होगी ही होगी क्लोज इंटरवल पे जब हम बात करते हैं जैसे हमने अभी बात की थी माइनस टू टू वन है ना अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर दें तो माइनस टू का होल स्क्वायर यानी कि फोर उसकी क्या है मैक्सिमम वैल्यू है और वन उसकी क्या है वन का स्क्वायर वन उसकी क्या है हमारी मिनिमम वैल्यू है अगर हमारा जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर था है ना तो इस तरह से ये दो रिजल्ट्स जो हैं वो हमें रिमेंबर रखने हैं नेक्स्ट समझते हैं इस ग्राफ को ये ग्राफ आपके एन बुक में बना हुआ है तो इस ग्राफ को हम एग्ज़ामिन करते हैं तो ग्राफ को एग्जामिन करने पर हमें पता चल रहा है तो ये इंक्रीजिंग है एंड डिक्रीजिंग है है ना यानी कि फंक्शन जो है वो अपनी नेचर जो है वो चेंज कर रहा है फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग और वाइस वर्सा है ना तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं जहाँ से वो अपनी नेचर को चेंज कर रहा है क्योंकि यहाँ से आ रहा था तो डिक्रीजिंग था ए पॉइंट पर यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ से क्या है इंक्रीजिंग है देन फिर से डिक्रीजिंग है फिर से इंक्रीजिंग है इस तरह से ये चल रहा है तो ये जो ए बी सी डी पॉइंट्स यहाँ पर हैं दीज आर कॉल्ड एज टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द गिवन फंक्शन ठीक है ना तो ए बी सी डू को हम क्या बोलेंगे टर्निंग पॉइंट्स बोलेंगे राइट right? तो हमने अगर नोटिस किया हो तो टर्निंग पॉइंट्स के ऊपर यहाँ तो लिटिल हिल है हिल का मतलब इस तरह से पहाड़ की तरह बना हुआ है यहाँ पर क्या है लिटिल हिल है या फिर लिटिल वैली है तो नीचे की तरफ है तो इसको हम बोल रहे हैं लिटिल वैली है राइट right? तो यहाँ पर रफली अगर बोला जाए तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू देखने पे कहाँ पर लग रही है आपको पता लग रहा है कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू या तो ए पे है या सी पे है और बी और डी पे क्या है इसकी फंक्शन की क्या है मैक्सिमम वैल्यू है फॉर दिस रीजन क्या बोलेंगे हम ए और सी पॉइंट पे ठीक है बोलेंगे पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे बोलते हैं इसको पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमम वैल्यू और बी एंड डी को बोलेंगे पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम वैल्यू तो चलिए इसको मैथमेटिकली समझ लेते हैं तो लेट एफ बी द रियल वैल्यूड फंक्शन और सी कोई पॉइंट लिया है हमने इंटीरियर पॉइंट इन द डोमेन ऑफ द एफ तो यहाँ पर मैंने एक सी पॉइंट लिया है इन द डोमेन ऑफ एफ एंड इफ़ देयर इज़ एच ग्रेटर देन ज़ीरो अगर यहाँ पर एफ़ ऑफ सी की वैल्यू एफ़ ऑफ एक्स से बड़ी है या बराबर है ठीक है तो वहाँ पर f ओफ़ c को हम क्या बोलेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू तो हमने पहले क्या पढ़ा था कि f ओफ c अगर f ऑफ x से बड़ा है तो तब भी हम क्या बोलते थे f ऑफ c को क्या बोलते थे मैक्सिमम वैल्यू यानी कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू f ओफ c पे है तो ये भी यही सेम चीज़ है बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि नाम है हम पढ़ रहे हैं लोकल मैक्सिमा के बारे में तो लोकली हमने चेक करना है अब इसको पहले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे सपोज आप गए आप लोकल मार्केट ठीक है कोई चीज़ आप कोई प्रोडक्ट खरीदने गए तो आप लोकल मार्केट में जब भी जाते हैं तो टू थ्री शॉप्स पे आप कंपैरिजन करके ही वो प्रोडक्ट लेते हैं है ना तो यहाँ पर आप सपोज करो थ्री शॉप्स हैं ठीक है तो आप जो प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं उसमें फर्स्ट शॉप पे 15 परसेंट डिस्काउंट है सेकेंड शॉप पर ट्वेंटी डिस्काउंट है और थर्ड शॉप पे टेन डिस्काउंट है सपोज कर लिया ठीक है तो ये मैं डिस्काउंट्स की बात कर रही हूँ तो जिस शॉप पे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट है वहीं से आप ये प्रोडक्ट खरीदेंगे ठीक है यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट है यहाँ पर क्या है मैक्सिमम डिस्काउंट है यही सी को यही मानो शॉप नंबर टू ही मानो जहाँ पर क्या है मैक्सिमम डिस्काउंट है आपने सी माइनस एच पे चेक करा आपने सी प्लस एच पे चेक करा है ना बट फिर भी जो सी है वो क्या है आपका यहाँ पर शॉप नंबर टू पे क्या है आपका मैक्सिमम डिस्काउंट है तो सी को क्या बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल लोकल मैक्सिमा मैक्सिमा यानी कि सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है और एफ ऑफ सी क्या है लोकल मैक्सिमम वैल्यू ओके तो एफ ऑफ सी क्या है लोकल मैक्सिमम वैल्यू यानी कि उस प्रोडक्ट का रेट लोकल मैक्सिमम वैल्यू और सी क्या है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम क्लियर है ऐसे ही आपका आता है लोकल मिनिमा अब लोकल मिनिमा को कैसे समझेंगे जहाँ पर एफ़ ऑफ सी की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो फॉर ऑल एक्स इन सी माइनस एट सी प्लस एच इसको भी हम नेबरहुड पे चेक करेंगे यानी कि सी माइनस एट सी प्लस एच पे चेक करेंगे अब सपोज़ करो आप गए लोकल मार्केट में तो जहाँ पर किसी प्रोडक्ट का जो रेट है आप गए तीनों शॉप्स पे ठीक है तो फर्स्ट शॉप पे उस प्रोडक्ट का रेट एट्टी रुपीज़ है सेकेंड शॉप पे जो रेट है वो सेवेंटी रुपीज़ है और थर्ड शॉप पे जो रेट है वो एट्टी फाइव रुपीज़ है तो सेकेंड शॉप पे यानी कि सी पे ही हमारा क्या है अगर आ, सबसे मिनिमम वैल्यू है तो एफ़ ऑफ सी को हम बोलेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ़ एफ एंड सी इज़ कॉल्ड एज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम ओके तो हम हमेशा नेबरहुड में चेक करते हैं तो यहाँ पर मैंने एक रिजल्ट लिखा है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एफ़ डैश सी मस्ट बी ज़ीरो अब पहले इस ग्राफ्स को समझते हैं ये कहता है कि अगर x इज इक्वल्स टू सी जो है दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा क्योंकि ये लोकल मैक्सिमा का ग्राफ है अगर ये पॉइंट है लोकल मैक्सिमा का तो ग्राफ इस तरह से होगा ये इस तरह से है ना तो यहाँ पर ये इंक्रीजिंग रहेगा यानी कि एफ़ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन जीरो है ना ये इंटरवल में और यहाँ पर एफ़ डैश एक्स जो है दिस इज़ लेस देन ज़ीरो यानी कि डिक्रीजिंग है तो ये सजेस्ट करता है क्योंकि यहाँ पर जो टें हम यहाँ पर बना रहे हैं टेंजेंट दिस इज़ पैरलर टू द एक्स एक्सिस और जब टेंजेंट इज़ पैरलर टू द एक्स एक्सेस तो क्या होता है स्लोप उसकी ज़ीरो होती

क्लियर तो इस रिजल्ट को आपको याद रखना है तो इस थ्योरम को हम कैसे लिखते हैं लेट एफ बी द फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल आई तो जब भी हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात करेंगे तो हम हमेशा ओपन इंटरवल्स की बात करेंगे तो आपको ये चीज़ हमेशा याद कर रखनी है कि लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा की जब हम बात करें तो हम हमेशा ओपन इंटरवल्स की बात करेंगे ओके तो लेट एफ बी द फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल आई यहाँ पर कोई सी अगर बिलोंग करता है उसी इंटरवल आई को बी एनी पॉइंट और अगर उस एफ का लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा x इज इक्वल टू सी पर है तो f टाइम सी क्या होगा जीरो होगा और जो f जो है क्या मतलब है इसका कि f नॉट डिफ्रेंशियबल होगा c पे ठीक है यही बताया था अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पर कि एफ डे सी मस्ट बी जीरो इसको थ्यूरम के रूप में ऐसे लिखा हुआ है आपकी एन सी आर टी बुक में सिंपल सी बात है कोई फंक्शन एफ है किसी ओपन इंटरवल पे डिफाइंड है सी अगर कोई पॉइंट है अगर वो उसका कोई फंक्शन का लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है तो एफ सी हमेशा क्या होगा ज़ीरो होगा यानी कि एफ इज़ नॉट डिफ्रेंशियबल एट सी क्लियर बट बट द कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू तो जो अभी हमने जो थ्योरम पढ़ी इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि अगर हमें एफ़ डैश सी ज़ीरो मिले तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि वो पॉइंट लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा ही है कहने का मतलब ये है इसको समझने के लिए एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे सपोज करो ये एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है एक्स का क्यूब अब हमें अच्छे से पता है कि ये ग्राफ इस तरह से होता है है ना नीचे ने नेगेटिव वैल्यूज़ भी हैं पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हैं क्योंकि एक्स का क्यूब है राइट और एक्स यहाँ पर रियल नंबर है तो ये देखो ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है और नीचे की तरफ भी जा रहा है तो यहाँ पर हम जब ज़ीरो पुट करेंगे तो ये वैल्यू ज़ीरो आएगी क्योंकि ज़ीरो का क्यूब क्या होगा ज़ीरो ही होगा ठीक है बट यहाँ पर नीचे की तरफ नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ रही हैं ऊपर की तरफ ये पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आ रही हैं तो क्या ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है यहाँ पर नहीं है ठीक है तो ऐसे बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे जहाँ पर हमें एफ़ डैश ज़ीरो जो है वो जीरो ही मिलेगा बट वो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का पॉइंट हो ये जरूरी नहीं है यानी कि कन्वर्स इस थ्योरियम का ज़रूरी नी ना टू बी ट्रू है तो ऐसे केस में इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट एक पहले टर्म पढ़ लेते हैं उसके बाद है कि वर्किंग रूल पढ़ेंगे टू फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है अ पॉइंट सी इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ अब यहाँ पर एक कोई भी पॉइंट सी है इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ जहाँ पर एफ डैश सी जो है वो जीरो है या कह सकते हैं एफ डिफ्रेंशियबल नहीं है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं जब क्वेश्चंस क्लियर करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये सिर्फ सी पॉइंट पे जहाँ पर एफ टाइम सी जो है वो जीरो है उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं अब हम स्टडी करेंगे एक वर्किंग रूल टू फाइंड द पॉइंट्स ऑफ द लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ओके तो यहां पर आ जाता है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ओके इसको हम कम यूज करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ज़्यादा यूज होता है बट फिर भी स्टिल ये पढ़ना जरूरी है अब यहाँ पर f कोई फंक्शन है डिफाइंड एन एन ओपन इंटरवल I. तो जब भी हम लोकल मैक्सिमा और मिनिमा की बात करेंगे तो वी विल टॉक ऑलवेज अबाउट द ओपन इंटरवल्स ओके अब यहाँ पर f डैश एक्स जो है अगर वो अपना साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज करता है जैसे जैसे x इंक्रीज करता है इफ़ एफ़ डैश एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरोट एवरी पॉइंट सफिशियंटली क्लोज टू एंड टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड एफ डैश एक्स लेस दैन जीरो ऐट एवरी पॉइंट सफिशियंटली क्लोज टू एंड टू द राइट ऑफ सी तो सी क्या होगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा तो इसको याद करने की तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इसको मैं आपको सिंपल सी एक लैंग्वेज में समझाती हूँ यूजिंग अ डाइग्राम तो ये डायग्राम आपको एन बुक में मिल जाएगा इस डायग्राम को अगर समझना है तो समझो क्योंकि इस डायग्राम से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि आप पीछे क्या पढ़ कर हो। तो यहाँ पर हमने पढ़ा लोकल मैक्सिमा के बारे में तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कैसे ढूंढना है अगर वहाँ पर जो साइन जो है उसका यहाँ पर कैसे कब यहाँ पर क्या है इंक्रीजिंग ग्रेटर देन ज़ीरो है एफ डैश एक्स ठीक है एफ डैश सी क्या होगा ज़ीरो क्योंकि टेंजेंट इज पार्लर टू द एक्स एक्सिस और यहाँ पर क्या है एफ डैश एक्स लेस देन ज़ीरो है ना तो ये वाला जो पॉइंट है वो लोकल मैक्सिमा होगा कब होगा अगर उसका साइन जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है कैसे जा रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव देखो यहाँ पर इंक्रीजिंग था कर्व फिर ज़ीरो हुआ फिर क्या हो गया डिक्रीजिंग हो गया यानी कि अगर हमारा साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो वो जो पॉइंट है ठीक है वो क्या होगा हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा यही इसमें लिखा हुआ था देखो एफ डैश एक्स जो है अगर वो अपना साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज करता है जैसे जैसे एक्स इंक्रीज करता है तो सी को क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। बस आपने क्या याद रखना है इस कर्व को याद रखना है यहाँ पर क्या था एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो है यहाँ पर क्या था एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन जीरो है अगर वो पॉजिटिव जो नेगेटिव अपना साइन चेंज कर रहा है तो उस पॉइंट क्या है लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है ठीक है ये जो पॉइंट है सी वाला दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा क्लियर हो गया तो ये सारा कुछ इसमें यही लिखा हुआ था फिर आ जाओ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा पे इस पर भी वही चीज़ लिखी हुई है हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे एफ डैश एक्स जो है अगर वो नेगेटिव टू तो पॉजिटिव जा रहा है एक्स एक्स इंक्रीजेस तो सी इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा अब देखो ध्यान से यहाँ पर इस कर्व को अब स्टडी करना है हमें ठीक है तो मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ तो इस कर्व को हमें स्टडी करना है तो यहाँ पर देखो एफ़ टैश एक्स क्या है लेस देन ज़ीरो है यानी कि क्या है नेगेटिव है यहाँ पर फिर इंक्रीजिंग हो गया नेगेटिव टू पॉजिटिव तो मतलब अगर साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ठीक है तो बस जब भी लोकल मैक्सिमा की बात आए तो इस तरह के कर्व को याद कर लेना है और लोकल मिनिमा की बात का आए तो इस तरह के कर्व को याद कर लेना है ठीक है जी नेक्स्ट लास्ट में इसने लिखा हुआ है इफ एफ डैश एक्स जो है साइन चेंज करे ही ना ठीक है तो सी जो है दिस इज़ नाइदर अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नॉर अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा तो अगर साइन वो चेंज कर ही नहीं रहा है तो ना तो वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है ना पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है उसको क्या बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे ठीक है ना ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है तो ये हो गया वर्किंग रूल जहाँ से हम देखते हैं कि लोकल मैक्सिमा का पॉइंट कैसे निकालना है और लोकल मिनिमा का पॉइंट कैसे निकालना है तो इसके बाद हम डिस्कस जब करेंगे क्वेश्चंस को तो आपको क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट आ गया आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी ज़्यादा आसान होता है ये दूसरा टेस्ट है टू एग्ज़ामिन द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ अ गिवन फंक्शन ये ज़्यादा आसान होता है और मोस्टली यही क्वेश्चन में हम यूज़ करते हैं ओके okay? तो यहाँ पर है लेट एफ बी द फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई तो हमेशा फंक्शन को इस किसी इंटरवल आई पे ही आपको डिफ़ाइन करना है और सपोज करो सी जो है वो इसी इंटरवल में लाया करता है सी बिलोंग्स टू आई यहाँ पर f जो है गिवन फंक्शन जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए ट्वाइस डिफरेंशियबल ट्वाइस डिफरेंशियबल का मतलब है हम उसका दो बार डेरिवेटिव निकाल सकें सपोज करो हमें कोई फंक्शन गिवन है कि एक्स स्क्वायर फंक्शन है तो पहली बार हमने जब इसका डिफ करेंगे तो टू एक्स आएगा दूसरी बार करेंगे तो क्या आएगा टू आएगा है ना तो ये ट्वाइस डिफरेंशियबल होना चाहिए जो फंक्शन हमें गिवन है अब सी जो है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कब बनेगा जब एफ़ डैश सी जो है वो ज़ीरो होगा ठीक है एफ़ डैश सी जो है वो ज़ीरो है और जब हम उसका डबल डेरिवेटिव निकालें तो वो लेस देन ज़ीरो आ जाए तो यहाँ पर देखो लेस देन ज़ीरो तो नहीं ना आ रहा अगर लेस देन जीरो आ जाए तो वो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है और एफ़ ऑफ सी लोकल मैक्सिमम वैल्यू है ओके और अगर वो लोकल मिनिमा है जैसे इस केस में देखो एफ़ डबल डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है है ना ग्रेटर देन ज़ीरो है ना अगर एफ़ डबल डैश जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाए तो क्या है सी वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है और एफ ऑफ सी जो है वो लोकल मिनिमम वैल्यू है ठीक है तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये याद रखना है लोकल मैक्सिमा कब होता है और लोकल मिनिमा कब होता है तो ध्यान से सुनिए कि लोकल मैक्सिमा आप चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आपको एफ़ डैश सी ज़ीरो करना पड़ेगा और अगर हम एफ़ डबल डैश सी करें और वो लेस देन ज़ीरो आ जाए तो वो पॉइंट ऑफ़ लोकल मैक्सिमा है और अगर एफ़ डबल डैश सी जो है वो ज़ीरो से बड़ा हो तो वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है बस इतनी सी बात है ठीक है और अगर ये टेस्ट फेल हो जाता है कि अगर एफ डैच सी जीरो एंड एफ डबल डैच सी भी जीरो ही आ जाता है दोनों ही ज़ीरो आ जाते हैं तो वी विल गो बैक टू तो द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और फिर हम पॉइंट ऑफ फाइंड आउट करेंगे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ठीक है जी तो ये अगर टेस्ट फेल हो जाता है तो हम फिर वापस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर ही जाएंगे और फिर फाइंड आउट करेंगे कि ये पॉइंट है लोकल मैक्सिमा का मिनिमा का या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो चलिए अब बात करते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा के बारे में तो उसको समझने के लिए हम पहले यहाँ पर एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे अभी तक हमने जो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा डिस्कस करे थे वो हम डिस्कस कर रहे थे ओपन इंटरवल्स में है ना पर जब भी हम बात करते हैं एप्सल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा की तो हम बात करते हैं हमेशा क्लोज्ड इंटरवल्स की वो क्यों उसको समझने के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है लेट एक फंक्शन डिफाइंड है एक्स प्लस टू और ये एक्स जो है वो बिलोंग करता है ज़ीरो टू वन ओपन इंटरवल्स ठीक है तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं है जीरो से कुछ बड़ी है और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो वन नहीं है वन से थोड़ी सी छोटी है कोई भी वैल्यू है बट वो वैल्यू मुझे एग्जैक्टली exactly नहीं पता है तो जब कोई चीज़ एग्जैक्टली exactly नहीं पता है तो मैं कैसे एप्सल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा बता सकती हूँ ठीक है इसीलिए जब भी हम एप्सल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा की बात करते हैं तो हम क्लोज इंटरवल की बात करते हैं और जब हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात करेंगे तो हम हमेशा किसकी बात करेंगे ओपन इंटरवल्स की बात करेंगे ठीक है क्योंकि लोकल मैक्सिमा और मिनिमा जो है वो हम नेबरहुड पे चेक करती हैं एब्सोलूट मैक्सिमा और मिनिमा हम पूरे पे चेक करते हैं इसीलिए हमें उस पर क्लोज्ड इंटरवल चाहिए ठीक है अब ये फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूज है एट ज़ीरो टू वन बट इसकी ना तो कोई मैक्सिमम वैल्यू है और ना तो कोई मिनिमम वैल्यू है ये हम बता नहीं सकते ठीक है तो इट हैज़ नाइदर लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड लोकल मिनिमम वैल्यू बट अगर इसी के डोमेन को हम एक्सटेंड कर दें टू द क्लोज इंटरवल जीरो टू वन तो इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो बन जाएगी और इस फंक्शन की वैल्यू बन जाएगी टू है ना क्योंकि जीरो प्लस टू टू बन जाएगा और इसकी अगर मैक्सिमम वैल्यू वन है तो इसकी फंक्शन की वैल्यू क्या बन जाएगी थ्री बन जाएगी तो इस मैक्सिमम वैल्यू थ्री को हम बोलेंगे एप्सल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू या फिर ग्रेटेस्ट वैल्यू कोई भी नाम यूज़ कर सकते हो ज़्यादातर एप्सल्यूट या ग्लोबल मैक्सिमम यूज़ होता है मिनिमम वैल्यू टू जो है इट इज़ कॉल्ड एज एप्सल्यूट मिनिमम वैल्यू या ग्लोबल मिनिमम वैल्यू या फिर लीस्ट वैल्यू ठीक है, ये तो हो गई बात कि हम हमेशा जब भी एप्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा की बात करेंगे तब हम क्लोज इंटरवल्स की बात करेंगे अब समझने के लिए एक ग्राफ आपको दे रखा है एनसीआर बुक में इसको समझते हैं लेटर सी फंक्शन को डिफाइंड है अलग अलग पॉइंट्स uh, पे ए बी सी डी ये दिखा दिया हुआ है और ये फंक्शन डिफाइंड है ए टू डी क्लोज्ड इंटरवल इस तरह से डिफाइंड है ओके okay? तो यहाँ पर अगर आप ए uh, पॉइंट पे चेक करें तो ए पॉइंट पे ये ग्राफ की जो एफ ऑफ ए वैल्यू है मतलब फंक्शन की वैल्यू है वो सबसे हाईएस्ट दिख रही है मुझे देखने से ही पता चल रहा है और किसी भी पॉइंट पे हाईएस्ट नहीं है मतलब इससे कमी है तो ये जो ए है हम इसको क्या बोलेंगे या फिर ये जो फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए है इसको हम क्या बोलेंगे एप्सल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज अ पॉइंट ऑफ एप्सल्यूट मैक्सिमा ओके ये हो गया पॉइंट ऑफ एप्सल्यूट मैक्सिमा और ये हो गई एप्सल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ओके okay? अब इसी तरह से अगर डी पे चेक करें तो डी पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मिनिमम दिख रही है तो ये जो डी है दिस इज अ पॉइंट ऑफ एब्सल्यूट मिनिमा ओके पॉइंट ऑफ एब्सल्यूट मिनिमा एंड एफ ऑफ डी क्या है आपकी एब्सल्यूट मिनिमम वैल्यू है ओके okay? और अगर हम बी और सी पे चेक करें तो बी पे क्या है बी पे हमारी कम है ठीक है तो ये हमारा जो पॉइंट बन गया दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड एफ़ ऑफ बी क्या है आपकी मिनिमम वैल्यू लोकल मिनिमम वैल्यू ओके एंड सी पे क्या है हाइएस्ट है इससे बढ़कर है एफ ऑफ बी से सो सी पे क्या है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा ओके और एफ ऑफ सी पे क्या है दिस इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू ठीक है सो आई होप ये टर्म्स आपको इस ग्राफ के थ्रू बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी तो आप डिस्कस कर लेते हैं दो थ्योरम्स जो हमारी बुक में लिखी हुई हैं बहुत ही सिंपल हैं देखो एफ बी ए कंटिन्यूस फंक्शन ऑन अ क्लोज इंटरवल ए टू बी तो एप्सिल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा की जब भी हम बात करेंगे तो क्लोज इंटरवल्स की बात करेंगे सपोज कोई कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी पे तो वहां पर एफ़ की एप्सिल्यूट मैक्सिमम वैल्यू भी होगी होगी और एप्सिल्यूट मिनिमम वैल्यू भी होगी ही होगी कहने का मतलब यह है कि अगर किसी क्लोज इंटरवल पर कोई फंक्शन डिफाइंड है तो वहाँ पर उसकी एप्स मैक्सिमम वैल्यू एंड एबसोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी ही होगी ओके दूसरी थ्योरम ये कहती है कि f अगर कोई डिफरेंशियबल फंक्शन है यानी कि इस फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन अ क्लोज इंटरवल i और c कोई पॉइंट है इंटीरियर पॉइंट है i पे तो f डाय c की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी क्योंकि जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ठीक है तो वो पैर हो जाता है x एक्सिस के ठीक है तो x-एक्सिस के जो पैरेलल हो जाता है तो उसकी जो वैल्यू है वो जीरो हो जाती है है ना तो ये जो बातें हैं वो हमें ऑलरेडी पता है अब हम देखेंगे जैसे हमने वर्किंग रूल देखा था लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का फाइंड आउट करने के लिए वैसे ही यहां पर वर्किंग रूल होता है टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा बाकी हम क्वेश्चंस में क्लियर कर लेंगे यहाँ पर वर्किंग रूल क्या कहता है स्टेप नंबर वन में हमें क्या करना है तो हमें सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं तो क्रिटिकल पॉइंट मैंने बताया था आपको वो वाले पॉइंट जहाँ पर एफ डैश सी की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है ठीक है अगर पॉइंट सी है उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे तो यहाँ पर हमें सारे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं फाइन पॉइंट्स एक्स वेयर वेदर एफ़ डैश एक्स की वैल्यू जीरो हो या फिर हम कह सकते हैं एफ़ जो है वो डिफ्रेंशबल नहीं है तो पहले स्टेप में हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं स्टेप नंबर टू में एंड पॉइंट्स निकालने हैं उस इंटरवल पे जो भी आपको क्लोज इंटरवल दे रखी है उसकी एंड पॉइंट्स पे आपको उनको लेना है ठीक है टेक द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल अब इन सारे पॉइंट्स पे यानी कि क्रिटिकल पॉइंट्स पे और एंड पॉइंट्स पे आपको फंक्शन की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है ठीक है तो आपने क्या किया क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए ठीक है फिर आपने निकाल लिए एंड पॉइंट्स निकाल लिए तो आपने इन दोनों पॉइंट सभी पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू निकाली यानी कि f की वैल्यू निकाली तो बहुत सारी वैल्यूज जा आ जाएंगी आपकी तो वहां से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और मिनिमम वैल्यू कौन सी है तो वो वाली जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी या ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी उस पर्टिकुलर फंक्शन की ओके तो ये आपके जो क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर नेक्स्ट वीडियो से करेंगे स्टार्ट एक्सरसाइज को तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए रिवाइज करिए हैव एन नाइस डे टू ऑल ऑफ यू